हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसके रिटर्न्स बहुत बेहतरीन है। बिकॉज अगर 3.5 साल में आप देख सकते हैं, लगभग 3500% के रिटर्न आपको स्ट्रेटजी दे रही है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। अगर फ्यूचर में आपको, मैं कहता हूँ, इसका 1/4 अगर भी मिलता है, तो भी आई डोंट थिंक कि ये रिटर्न आपके लिए बुरे हैं। तो स्ट्रेटजी के रिटर्न जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसकी ब्रीफ जो डिटेलिंग है वो हम बाद में देखेंगे। उसके पहले हम देखेंगे स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी के एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो स्ट्रेटजी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करें। सो इन दिस स्ट्रेटजी हम यूज करने वाले हैं ADX इंडिकेटर का। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ADX के अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आपका ADX, सेकंड वन आपका +DI, एंड थर्ड वन आपका -DI। सो ADX की जो लाइन है येलो कलर की, वो आपको शो करती है ट्रेंड की स्ट्रेंथ को। मतलब कि आपका स्टॉक का जो ट्रेंड है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव हो, उसकी स्ट्रेंथ को शो करना ADX का काम है। तो यहाँ पे आप चार्ट दे सकते हैं ADX की वैल्यू का। अगर 0 to 25 के बीच में आपका ADX है, तो मतलब कि आपके जो स्टॉक का ट्रेंड है वो वीक है। उसके बाद देखेंगे 25 to 50 के बीच में आपके स्टॉक का ट्रेंड अच्छा है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। 50 to 75 वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, एंड 75 to 100 के बीच में आपका एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहता है। तो ये आपका ADX आपको शो करता है। एंड सेकंड कंपोनेंट जो आता है हमारा इस ADX का, वो आता है +DI, एंड थर्ड जो कंपोनेंट आता है वो आता है -DI। सो जो +DI एंड -DI का क्रॉसओवर है, वो हमें बताता है कि अब मार्केट में कौन सा ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। मतलब कि अगर +DI -DI को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तो मतलब मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड आने वाला है। और वहीं अगर +DI -DI को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तो इसका मतलब कि अब मार्केट में डाउन ट्रेंड होने वाला है। सो आज इस स्ट्रेटजी में हम इन 3 कंपोनेंट्स में से ओनली 2 कंपोनेंट्स का यूज करेंगे। पहला +DI एंड सेकंड वन इज -DI। सो फॉर द लॉन्ग एंट्री कंडीशन, हमें देखना क्या है कि जो +DI है वो -DI के हायर देन होना चाहिए। याद रखिए, हायर देन होना चाहिए। क्रॉसओवर होगा तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन हायर देन है अगर ऑलरेडी, तो भी आपको इसके अंदर ट्रेड लेना है। मैं आगे आपको स्ट्रेटजी बनाना बताऊंगा जब, तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि हायर देन की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं आपको इस स्ट्रेटजी का जो बैक टेस्ट है, वो क्रॉसेस अबव के साथ भी करके दिखाऊंगा एंड हायर देन के साथ भी करके दिखाऊंगा। जो फर्क है वो आपको सेम टू सेम सामने दिख जाएगा, ठीक है। तो वहां पे ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और एक चीज और ध्यान रखना है हमें इसमें, कि जो ADX का डिफॉल्ट वैल्यू होता है, ADX या फिर +DI या -DI का, वो डिफॉल्ट अगर आप चार्ट में देखेंगे वो 14 का होता है, लेकिन यहाँ पे आपको यूज करना है 30 का, जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद एग्जिट कंडीशन बहुत ही सिंपल है। एग्जिट के अंदर हमें कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे यूज नहीं करना है। सिंपल सा हमें 100 पॉइंट का SL रखना है। आपकी जो स्ट्रेटजी है वो ऑप्शंस में होने वाली है, तो ऑप्शंस के अंदर सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके प्रीमियम होंगे 100 से 150 या 200 के बीच में, तो वहां पे 100 पॉइंट्स का आपको SL रखना है। टारगेट आपका रहेगा 400 पॉइंट्स का, एंड ट्रेलिंग रहेगी आपकी 200 पॉइंट्स की। सो चलिए अब चलते हैं स्ट्रिक के ऊपर, स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं और इसका बैक टेस्ट देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए, स्ट्रिक के ऊपर हम आ चुके हैं। स्ट्रेटजी ऑलरेडी मैंने बना रखी है, मैं फिर से बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से आप इस स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। इसकी पिछली जो वीडियो हमने देखी थी, इसके अंदर हमने RSI की बात की थी, तो वहां पे हमें दिक्कत क्या आ रही थी, इसके रिजल्ट भी आपके लगभग 900% के थे, लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारा जो इक्विटी कर्व था, उसने एक बार तो प्रॉफिट दिया, उसके बाद वो फ्लैट हो गया था। तो ऐसी स्ट्रेटजी में घुसने का मतलब ये है, काफी देर तक आपको वेट करना पड़ेगा। इक्विटी कर्व हमें ये शो करता है, लेकिन इसका इक्विटी कर्व आप देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट है आपका, सीधा। मतलब कि आपको हर मंथ इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेटजी का नाम देंगे ADX DI। वैसे हम इसमें +DI और -DI का यूज ही करने वाले हैं, लेकिन वो दोनों ADX के कंपोनेंट है, तो हम ADX का नाम रख लेते हैं ताकि याद रखने में आपको आसानी रहेगी। साथ ही साथ में स्ट्रेटजी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली आप इसको कॉपी कर सकते हैं। स्ट्रेटजी के अंदर देखिए, आपको एड सिंबल करना है। यहाँ पे हम करेंगे Nifty 50। निफ्टी के ऊपर हम यहाँ पे स्ट्रेटजी देखेंगे। आप चाहे तो बैंक निफ्टी के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि बैंक निफ्टी आपका थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है, तो वहां पे सिग्नल्स जो है बहुत ज्यादा फास्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो आई डोंट नो कैसे रिजल्ट आएंगे, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही बैंक निफ्टी के अंदर इसको यूज करने का सोचिएगा। तो निफ्टी 50 का इंडेक्स के अंदर हम यहाँ पे एड डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कॉल लेंगे, करंट लेंगे, मतलब करंट एक्सपायरी लेंगे, ऑर्डर हम लॉन्ग के लिए लेंगे, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी आपकी, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका भी 15 से 20 हजार रुपए तक का लगने वाला है। एक्सपायरी आपकी रहेगी इसमें वीकली, और यहाँ पे हम रखेंगे -2, मतलब की 100 इन द मनी इसके अंदर रखेंगे। अप्लाई चेंजेस करेंगे और इसको करेंगे डन। यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एड हो गया। स्ट्रेटजी आपकी रहेगी CNC NRML के अंदर, और 1 डे का इसके अंदर आपका टाइम फ्रेम जो है वो रहने वाला है। तो पोजीशन स्ट्रेटजी आपकी,
आपके ट्रेड्स भी बहुत कम है, लगभग आप देख लीजिएगा लगभग 130 ट्रेड के आसपास है पिछले 3.5 सालों में। तो ब्रोकरेज टैक्सेस भी कुछ खास इसमें आपके कटने नहीं वाले। एक लॉट के ऊपर देखेंगे हम, मतलब कि 20,000 कैपिटल से, और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे आप बात करिए बाय की, तो बाय कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पे क्या डालना। तो सबसे पहले देखिए सिंपल सी बात है, हमें सिग्नल कहाँ से लेना है, हमें लेना है स्पॉट चार्ट से सिग्नल, मतलब कि जो आपका स्पॉट चार्ट है निफ्टी 50 का, इस पे से आपको सिग्नल लेना है। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ता है सिंबल, यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर आपको इसमें बैंक निफ्टी का लिखना हो तो उसके लिए भी सिंबल। सिंबल आपका बेसिकली ऐसा है कि अब यहाँ पे आप जिस भी स्क्रिप्ट का लिखेंगे, अगर आप कोटक बैंक का लिखेंगे ना, तो कोटक बैंक के सिग्नल्स के हिसाब से आपका ये ऑप्शंस में ट्रेड ले लेगा निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के। सिंबल आपका बेसिकली वहां यूज होता है। तो यहाँ पे लेकिन हम निफ्टी का ही देंगे क्योंकि हमें निफ्टी में ट्रेड करना है। तो निफ्टी 50 का इंडेक्स हमने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे आपका डी आई, यहाँ पे देखिए माइनस डी आई आ रहा है, प्लस डी आई। तो यहाँ पे देखिए आपको डिफॉल्ट वैल्यू जो दिख रही है 14, जिसकी की मैंने बात की थी, ये आपका रहेगा 30। ओके, इसको आपको 30 करना है। 14 करेंगे तब भी रिजल्ट पॉजिटिव ही आएंगे लेकिन कम आएंगे। तो प्लस डी आई यहाँ पे आप डालेंगे हायर देन क्रॉसेस, अब मैं आपको करके दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसके रिटर्न्स आपको कम हो जाएंगे, मैं आपको दिखा भी दूंगा। यहाँ पे हम करेंगे फिर से डी आई और ये हमारा माइनस रहेगा, यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो आएगी 30 की, और ये स्ट्रेटजी आपकी बन गई। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी बनाना, देखिए सिंपल लिखा इंडेक्स में निफ्टी 50 लिखा, प्लस डी आई 30 का, हायर देन रहेगा माइनस डी आई 30 के, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर देखिए स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया पॉइंट्स में रहेगा सारा का सारा, तो स्टॉप लॉस आपका 100 पॉइंट्स का रहेगा, टारगेट आपका 400 पॉइंट्स का रहेगा, नॉट मोर देन दैट, और जो ट्रेलिंग एसएल रहेगा वो आपका 200 पॉइंट्स का रहेगा। बहुत सिंपल है, ठीक है, इसको हम करेंगे फिर से नेक्स्ट। और यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे हमारे पास जो रिजल्ट है बैक टेस्टिंग के, वो मार्च 20 से ही यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे सीधे 20 पे चलते हैं, सॉरी 2020 और मार्च और फर्स्ट। अब मैं इसको करूंगा सेव एंड बैक टेस्ट। अब यहाँ पे आपको बैक टेस्ट थोड़ी देर में यहाँ पे शो हो जाएंगे कि किस तरह के आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको लगभग 2,27,000 का प्रॉफिट है, और यहाँ पे अगर आप परसेंटेज की बात करें 3,500% के रिटर्न आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप एक्यूरेसी की बात करें तो 60% की एक्यूरेसी है और 127 ट्रेड्स हैं आपके इसके अंदर सिर्फ। ठीक है, आपके ट्रेड जो है 127 है इसके अंदर, तो ट्रेड्स भी आपके बहुत कम है। अगर मैं इसका आपको ब्रोकरेज ऑन करके भी दिखाऊं तो आपका 100% का जो रिटर्न है सिर्फ वो कम होता है, मतलब कि 2,27,000 से 2,18,000, मतलब कि 18 आप कह सकते हैं लगभग 10,000 या 15,000 रुपए का आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसके अंदर आपका जो है ब्रोकरेज एंड टैक्सेस जाने वाला है। यहाँ पे आप इसका इक्विटी कर्व देख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो मतलब कि आप इस स्ट्रेटजी के अंदर कहीं भी एंट्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला उसके बाद प्रॉफिट नहीं मिला काफी देर तक, यहाँ पे 2-3 महीने शायद ये होल्ड रहा होगा, उसके बाद फिर से आपको इसमें प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो एंट्री एंड एग्जिट कंडीशन है, बाकी नीचे आपको ट्रांजेक्शन डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वीकली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारा काम हुआ है, जो लास्ट एक होता है मंथली होता है, मतलब कि जब चौथा वीक आपका चलता है तो मंथली होता है, तो यहाँ पे ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाएगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका बाय हुआ है देखिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 रुपीज पे हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि 200 का अगर आप ट्रेड लेते हैं तो इसका 50% आपका लगभग स्टॉप लॉस में रहेगा, और कई बार आपका जो ट्रेड है वो 85 रुपीज पे आएगा, तो मतलब कि आपका पूरा का पूरा प्रीमियम ही यहाँ पे एक तरह से लॉस में रहेगा क्योंकि 100 पॉइंट्स का हमने इसमें एसएल रखा है। ठीक है, एक बार इसके पैरामीटर्स देख लीजिए कि आपको 30,000 का इसके अंदर टोटल मैक्स प्रॉफिट हुआ एक दिन में और 7,500 का लॉस हुआ, ये तब की बात है जब लॉट साइज 75 का था, अभी जो मैक्स लॉस होगा आपको वो आपका होगा 5,000 का। एवरेज विनिंग जो है आपकी 6,000 की है एंड एवरेज लूजिंग जो है वो आपकी 5,000 की, मतलब कि 1:1 की स्ट्रेटजी आपकी बेसिकली है, लेकिन इसके अंदर आपका जो एक्यूरेसी है वो +60% है, तो इसलिए आप इसके अंदर फायदे में रहेंगे। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके अंदर हम एडिट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था हायर देन की जगह क्रॉसेस अबव करके देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एंड सेवन बैकटेस्ट करते हैं। इसमें ट्रेड्स आपके बहुत कम हो जाएंगे लेकिन प्रॉफिट भी उसके हिसाब से बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके रिटर्न्स कितने रहेंगे 32,000 के, कहाँ 2,27,000, कहाँ 37,000, एंड ट्रेड्स कितने हैं आप बताइए मुझे। सिग्नल सिर्फ 13 है और 252% का आपको रिटर्न मिला है। अगर आप ये देखेंगे आप तो कितने सिग्नल है, एक सिग्नल के अंदर आपको प्रॉफिट मिल गया, बाकी आपका फ्लैट है, और सिग्नल भी बहुत देर देर बाद मिलेंगे आपको इसके अंदर। तो ये चीज आप देख सकते हैं, अगर करना है तो कर सकते हैं। 13 ही ट्रेड्स मिले आपको पिछले 3 सालों में, उससे ज्यादा ट्रेड ही आपको यहाँ पे
नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 डे का टाइम फ्रेम है, एडीएक्स इतनी जल्दी ऊपर नीचे नहीं होता है, और पिछले 2.5 साल से मार्केट अप ट्रेंड के अंदर ही है, तो फिर डाउन ट्रेंड आपके बहुत कम ही यहाँ पे आए होंगे। तो हायर देन के मतलब क्या है आपका, देखिए यहाँ पे अगर हम एडीएक्स देख रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आप इस एडीएक्स को देखेंगे यहाँ पे आपका क्रॉसओवर हुआ है, लेकिन इस क्रॉसओवर पे आपको चलो ट्रेड लेना है ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए आप यहाँ पे ऊपर गए और आपकी ट्रेलिंग हिट हो गई, अब मार्केट ने अगले दिन जब सिग्नल दिया तो फिर से आपका प्लस डीआई माइनस डीआई के ऊपर था, मतलब कि हायर देन था, तो यहाँ पे आपको फिर से ट्रेड लेना है विद द सेम 100 पॉइंट ऑफ एसएल, 500 पॉइंट्स ऑफ सॉरी 400 पॉइंट्स ऑफ टारगेट एंड 200 पॉइंट ऑफ ट्रेलिंग, ठीक है। तो ऐसा आपको करते जाना, बाकी मैंने आपको दिखा दिया दोनों के रिजल्ट, आप जैसा चाहे वैसा इसमें यूज कर सकते हैं। मैं हायर देन यहाँ पे सेव कर देता हूँ और नेक्स्ट करके इसको मैं सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपके ऊपर आपको स्ट्रेटजी को हायर देन के साथ यूज करना है, क्रॉस अबव के साथ करना है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर इंट्राडे के रिजल्ट, क्योंकि मैं जैसा कि आपको बताता हूँ हमेशा कि अगर मैं सीएनसी कर रहा हूँ तो इंट्राडे के अंदर भी मैं आपको इसके अंदर रिजल्ट दिखाता हूँ। तो इंट्राडे के अंदर हम यहाँ पे चलेंगे 5 मिनट्स के ऊपर और एमआईएस कर देंगे और सिर्फ 3 महीने के बैकटेस्ट देखेंगे, क्योंकि इंडिकेटर्स के ऊपर ज्यादातर रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं होते आपके इंट्राडे के अंदर। यहाँ पे आप देखिए 310% का रिटर्न लेकिन आपको इसके अंदर भी मिला है, तो 22,000 का प्रॉफिट मिला है पिछले 3 महीने में बुलिश साइड में। तो आप इसका रिवर्स सेम टू सेम बना सकते हैं पुट साइड के लिए, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आपको स्ट्रेटेजी को कॉपी कर लेना है यहाँ से, देखिए मेक का कॉपी, कॉपी करेंगे आप यहाँ पे एडी, यहाँ पे एडीएक्स शॉर्ट कर देते हैं ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, इसका लिंक नहीं डालूंगा मैं, आप सिंपली कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, ये स्ट्रेटजी बन गई, एडिट किया आपने। इसके अंदर क्या करना है आपको, पहले डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना है, कॉल की जगह लेना है पुट और यहाँ -2 की जगह लेना है 2, ठीक है, ये आपका हो गया इन द मनी। अब आपको जाना है यहाँ पे फिर से डे, ये आपको याद रखना है सीएनसी में डे लेना है ठीक है ना। उसके बाद आपको जाना है एंट्री कंडीशन में, यहाँ पे सिंपल हायर देन की जगह लिख देना है लोअर देन, और कुछ आपको चेंज ही नहीं करना है, तो बस आपको इतना ही करना है, इसके बाद नेक्स्ट करिए और इसको आप सेव करिए। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको शॉर्ट में ट्रेड तभी लेना है, अगर मैं आपको दिखाऊं फिर से बता देता हूं मैं एक बार, चलिए आपको यहाँ पे इंडिकेटर लगाया हमने, यहाँ पे लगाया हमने सुपर ट्रेंड और यहाँ पे आपका सुपर ट्रेंड आपको दिख रहा होगा 1 डे चार्ट के ऊपर, लेकिन आप यहाँ पे वीकली के ऊपर काम कर रहे हैं, वीकली एक्सपायरी के ऊपर, तो आपको वीकली पे चले जाना है और यहां से लेके यहां तक देखिए जब तक ये सुपर ट्रेंड ग्रीन रहेगा तब तक आपको बुलिश ट्रेड ही लेने हैं, एक भी पुट का ट्रेड आपको नहीं लेना है ठीक है, जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई है। और जब ये मार्केट आपका इस तरह से आपको रेड सुपर ट्रेंड दिखाएगा तो इस कंडीशन में आप चाहे तो नेगेटिव ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो आप फिर से यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड लीजिए। लेकिन बेसिकली अगर आप देखेंगे ना निफ्टी या फिर कोई भी इंडेक्स मैक्सिमम टाइम अप ट्रेंड में ही रहता है, नेगेटिव ट्रेंड के अंदर बहुत कम रहता है या फिर आप कह सकते हैं छोटे समय के लिए रहता है। तो आप लेना चाहते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आपका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव के अंदर है तो आपको इसके अंदर पुट का ट्रेड लेना ही नहीं है, ये आपको वीकली में देखना है अगर आप 1 डे के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर आप 1 आगे ऊपर कर रहे हैं तो आपको 1 डे पे देखना है। मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, दोबारा यहाँ पे रिपीट करूंगा तो वीडियो लंबा होगा, तो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं स्ट्रिक के अंदर जो मैंने बना रखी है, स्ट्रिक के ऊपर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पे वाइंड अप, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।